हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एसेंस बनाना। इस एसेंस को जो है हम सीरम से पहले इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जो एसेंस होता है ना, वो कोरियन स्किन केयर का जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके बिना जो है उनकी स्किन केयर बिल्कुल अधूरी है, ठीक है। ये बिल्कुल वाटरी फॉर्म में होता है, बिल्कुल चिपचिपा नहीं होता, और स्किन पे लगाने के बाद जो है स्किन बहुत ग्लो करती है, और ये आपकी स्किन के अंदर लेयर तक जाकर जो है काम करता है, ठीक है। तो यहाँ मैंने होममेड जो है एसेंस बनाया है, ठीक है। अगर आप इसको मार्केट से लेने जाएंगे तो ये बहुत महंगा पड़ेगा, और अगर आप इसको घर में बनाएंगे तो घर में आपके रोज़ वाटर भी मिल जाएगा, ग्लिसरीन भी मिल जाएगी। हाँ, मोलेट ही आपको बाहर से लेनी पड़ेगी, जो कि आपको 30 से 40 रुपीज़ में आराम से मिल जाएगी। तो ये आपका 100 तक में जो है एसेंस पड़ जाएगा, और बहुत सस्ता है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। हमने जो इसमें इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं ना, ये वाइटनिंग इंग्रेडिएंट हैं, ठीक है, जो स्किन की स्किन को जो है ब्राइटनिंग कर देता है। इसमें हमने जो इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं, ये वाइटनिंग के इंग्रेडिएंट हैं, जो स्किन की ब्राइटनिंग में, एज स्पॉट में, डार्क स्पॉट्स में, और पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने में, कम करने में, ठीक है, काम आते हैं। उसके अलावा ये एंटी एजिंग में जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये आपकी स्किन को जो है एक्स्ट्रा हाइड्रेट करता है, ठीक है, और जिससे आपकी स्किन स्मूथ और ग्लोइंग होती है। ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, ठीक है, बिल्कुल वाटर की तरह है, बिना टेंशन के, बिना डरे जो है आप इसको अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जो है थोड़ा बहुत डर रहे हो इसको इस्तेमाल करने में, ठीक है, तो पहले इसको अपने हाथ पे या कान के पीछे जो है, या फेस के किसी छोटे से एरिया पर लगा कर इसको जो है पैच टेस्ट कर लें, ताकि जो है आपका डर ख़त्म हो जाए। और ये जो है ये नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स जो होते हैं ना, वो आपकी स्किन के लिए हार्मफुल नहीं होते, ठीक है। ये आपकी स्किन पर बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेगा, आपकी स्किन की लेयर के अंदर जाके वर्क करेगा, आपके डार्क स्पॉट्स जो है वो खत्म हो जाएंगे, पिगमेंटेशन खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी स्किन को ब्राइट बनाएगा, क्योंकि इसमें मोलिटी पाउडर है, और आपकी स्किन को हेल्दी करेगा, ठीक है, स्मूथ और ग्लोइंग बनाएगा। यूज करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करके लाजमी मुझे बताना कि ये इसने आपको कैसा रिजल्ट दिया, ठीक है। 1 मंथ आप इसको यूज़ लाजमी करें। वैसे तो मैं तो कहती हूँ आप इसको अपनी स्किन केयर में ऐड कर लें, ठीक है। आप पहले टोनर इस्तेमाल करें, फिर एसेंस इस्तेमाल करने के बाद, ठीक है, सीरम इस्तेमाल कर लें जो आप करते हैं, या फिर मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है, जो इसके बाद आप अप्लाई करना चाहें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलें देखते हैं इसको कैसे बनाना है। यहाँ मैं ले रही हूँ 2 कप पानी इसको बनाने के लिए। अब हम इसको जो है अच्छे से बॉईल होने देंगे। पानी हमारा बहुत अच्छे तरीके से जो है बॉईल हो गया है। इसमें से 2 टेबलस्पून जो है पानी हम निकाल लेंगे, ठीक है, और निकालने के बाद 1 टेबलस्पून जो है इसके अंदर हम ग्रीन टी डाल देंगे, ठीक है। ये पूरी 1 टेबलस्पून है, ये हमने इस पानी के अंदर डाल दी, ठीक है, और इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स। और इसको मिक्स करने के बाद हम इसको रख देंगे साइड में। अब हमारा पानी जो है अच्छे तरीके से बॉईल हो गया है, ठीक है। अब हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून जो है डाल देंगे लिकोरिश पाउडर, मुलेठी पाउडर, ठीक है। 2 टेबलस्पून जो है मुलेठी पाउडर चला गया इसके अंदर, ठीक है। मुलेठी का जो पाउडर है उसको हम यूज़ करेंगे स्किन वाइटनिंग के लिए, ठीक है। ये स्किन वाइटनिंग के लिए एक अमेजिंग इंग्रेडिएंट है, ठीक है, ये, और ये सबसे सस्ता भी है, ठीक है, और ये सारी स्किन वाइटनिंग सीरम और क्रीम्स में होता है, जो हम मार्केट से बहुत महंगे महंगे ख़रीदते हैं, ठीक है। और इससे जो है हम एसेंस भी बना सकते हैं, ठीक है। इसको बहुत अच्छे तरीके से हम पका लेंगे, ठीक है। हमने इसको इतना बॉयल करना है कि ये जो हमारा पानी 2 कप था ये हाफ रह जाए, ठीक है। जैसे ये हाफ रह जाएगा हम इसको जो है गैस से उतार लेंगे। ये जो हमने मुलेठी का पाउडर बॉयल होने के लिए रखा था ये अच्छे तरीके से पक गया है, ठीक है। ये हाफ रह गया है, 2 कप था तो इसको हमने हाफ रखना था, ठीक है। ये हाफ रह गया है तो अब इसको हम उतार लेंगे गैस से। गैस से उतारने के बाद हमने जो ग्रीन टी का पानी जो है साइड में निकाल कर रखा था, अब वो जो है हम सारा का सारा इसके अंदर डाल देंगे। इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स ग्रीन टी को मिलाकर, ठीक है, और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद यहाँ मैं इसको जो है पानी को छान लूँगी,
क्योंकि इसमें हमने ग्रीन टी भी डाली थी ना और मलीठी डाला था, तो उसके जो है जर्रात ना रह जाए इसके अंदर, ठीक है। ये हमने अच्छे तरीके से इसको छान लेना है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 4 टेबलस्पून जो है रोज़ वाटर, मैं ले रही हूँ सैदगनी का, आप कोई सा भी ले सकते हो, ठीक है। ये हमारा चला गया रोज़ वाटर। फोर टेबल स्पून जो है हमारा रोज़ वाटर चला गया। अब जो है आप इसके अंदर डालेंगे ग्लिसरीन, ठीक है। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से आराम से मिल जाएगी, जो स्किन के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। ये 2 टेबलस्पून जो है हमने ग्लिसरीन डाल देनी है। देखिए अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप पूरी 2 टेबलस्पून ही डालेंगे, ठीक है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसके अंदर जो है 1.5 भी डाल सकते हैं और 1/8 भी जो है डाल सकते हैं, ठीक है। इसको कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स, ठीक है। और मिक्स करने के बाद हम इसको निकाल लेंगे किसी बॉटल में। तो यहाँ मैंने इसको एक छोटी सी क्यूट सी बोतल में है निकाल लिया। आप जो है इसको स्प्रे बोतल में भी डाल सकते हैं, आप इसको कोई भी बोतल में डालकर रख लें, और इस्तेमाल करने से पहले इसको जो है हिला लाजमी लीजिएगा, ठीक है। मिक्स कर लें अच्छे से, ठीक है। और ये जो है हमारा एसेंस जो है वो रेडी हो गया है। यूज़ करने से पहले इसको जो है अच्छे तरीके से हिला लिया, ठीक है। और उसके बाद अपने जितना आपको अपनी फेस के लिए चाहिए, ठीक है, ये उतना आपने निकालना है और अपने स्किन पे अच्छे से इसको लगा देना है। अगर आप इससे पहले जो है टोनर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो टोनर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको लगाने के बाद आप जो है जब ये ड्राई हो जाए तो आप इसके ऊपर अपना मॉइस्चराइज़र जो क्रीम वगैरह जो लगाना है वो आप लगा सकते हैं। ये बहुत ही लाइट वेट है, बिल्कुल वाटर है, बिल्कुल वाटर, बिल्कुल भी चिपचिप नहीं करेगा आपकी स्किन पर, ठीक है। ये 5-10 मिनट लेता है आपकी स्किन पर, यह ड्राई हो जाएगा, देख लें, पता भी नहीं लग रहा कि मैंने स्किन पर जो है कुछ लगाया है। ये हमारे स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को जो है दूर करेगा ये एसेंस, ठीक है। ग्रीन टी इसमें जो हमने ऐड किया है वो एंटी एजिंग के लिए बेस्ट है, ठीक है। ग्लिसरीन जो हमने ऐड किया है वो एक्स्ट्रा हाइड्रेशन के लिए ऐड किया है, ठीक है। और जो रोज़ वाटर है वो हमारी स्किन को जो है टोन करेगा, ठीक है। ये इंस्टेंट ग्लो देता है फेस पे, तो आपको इतना पता नहीं लग रहा होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको हाथ पर लगा कर चेक करवाती हूँ, इससे जो है ना इंस्टेंट आपकी स्किन जो है ना वो ग्लो करने लगती है। ये देखें कितनी ग्लो कर रही है, ठीक है। स्किन फेस पे आपको इतना अच्छा नहीं नज़र आ रहा होगा, ये देखें बहुत ज़बरदस्त ग्लो करती है स्किन यूज़ करते ही। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। वीडियो कैसी लगी ये लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर वीडियो अच्छी लगे ना तो एक लाइक लाजमी कर देना। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।